गोरखनाथ पुलिस ने 15,000 के दो शातिर इनामी बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान वीरेंद्र उर्फ डेविड पुत्र संतलाल निवासी गड़ौना थाना खजनी तथा दूसरा अश्वनी उर्फ राकी पुत्र सुरेश प्रसाद निवासी लकड़ी हट्टा गरुड़पार थाना कोतवाली देवरिया के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 315 बोर, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक अखोखा कारतूस, 1315 बोर तथा 3000 रुपया नकद बरामद किया है। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश हत्या, लूट सहित अन्य आपराधिक मामलों में वांछित थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया दो हज़ार पंद्रह के अंदर थाना गोरखनाथ के अंदर एक मर्डर हुआ था। ये मर्डर बेसिकली जमीन की रंजिश को लेके एक मुकदमा चल रहा था, उसको लेके हुआ था। ये एक वकील जो थे, एडवोकेट साहब थे, उनकी हत्या हुई थी। इस घटना के अंदर लोग उस वक्त जेल भेजे गए थे और एक व्यक्ति इसके अंदर जो है वांछित चल रहा था। ये व्यक्ति जो है अश्विनी उर्फ रॉकी जो है इस घटना के अंदर मुख्य रूप से जो वांछित था, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर इनाम भी था। और इसके साथ इसका एक साथी है वीरेंद्र उर्फ डेविड, ये पूर्व में घटना में प्रकाश में आया था, जेल भी गया था। इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया थाना गोरखनाथ के द्वारा और अब इन लोगों को रिमांड पर लेके विधिक कार्रवाई की जाएगी।